है, छोटा हो सकता है संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण, ये जानकारी मिल रही है। 25-26 मार्च को खत्म हो सकता है संसद का बजट सत्र। कई दलों के सांसदों की सत्र को छोटा करने की ये मांग की गई थी। 5 राज्यों में चुनाव की वजह से सत्र को छोटा करने की मांग की गई। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को टीएमसी की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जिसकी शुरुआत आज ही हुई है, अब 25 और 26 मार्च को ये खत्म हो जाएगा, अब पुख्ता तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है? देखिए, करीब करीब 150 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखा है, जिसमें डीएमके, टीएमसी और दूसरे अन्य दलों के जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं उनसे संबंधित जो दल हैं उन सबने पत्र लिखा है कि सत्र को छोटा किया जाए, क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है। ऐसे में माना जा रहा है कि 25 या 26 तक ये लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही खत्म कर सकती है सरकार, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस में इसको लेकर अभी भी मतभेद है। कल ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो वर्चुअल मीटिंग की थी उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार इसको छोटा करने की कवायद कर सकती है। ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा कि लोकसभा कार्यवाही भले ही स्थगित हो जाए लेकिन राज्यसभा पूरे टर्म चले, जिससे 8 अप्रैल तक इसको कार्यवाही को चालू रखा जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भले मतभेद हो लेकिन टीएमसी हो, डीएमके, एडीएमके और दूसरे दल वो चाहते हैं कि संसद सत्र का ये इसे छोटा किया जाए सेकेंड पार्ट, और जल्द से जल्द कार्रवाई खत्म हो किया जाए जिससे कि वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सके। जी, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में इसको लेकर मतभेद हैं लेकिन टीएमसी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है, और बीजेपी की इसको लेकर क्या राय है? देखिए, बीजेपी चूंकि सरकार में है और इसलिए वो अपनी तरफ से स्थगित करने की वकालत नहीं कर सकती है, लेकिन इसका विरोध भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो या बीजेपी अध्यक्ष हो या दूसरे तमाम वरिष्ठ मंत्री, इन सबको कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जाना है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है सत्र को चलाना सुचारू रूप से। इसलिए बीजेपी अपनी तरफ से कोई लिखित में या कोई वकालत नहीं करेगी कि इस सत्र को छोटा किया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन उसको आरोप लगाएगा। इसलिए अगर ऑपोजिशन की मांग होगी तो बीजेपी उसका विरोध शायद ना कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट रविंद्र आपका। तो ये जो बजट सत्र का दूसरा चरण है ये छोटा हो सकता है क्योंकि टीएमसी की ओर से और कुछ दलों की ओर से भी ये मांग की गई है कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस सत्र को छोटा। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।